Hey, good morning everyone and welcome back to my YouTube family. आप सभी लोग कैसे हो और आप सभी लोगों की तैयारी कैसी चली हुई है? तो आज मैं अपने आपके साथ अपना जो डेली रूटीन है वो शेयर कर रही हूँ. तो आज मैंने तैयारी कैसे करी थी, तो मैंने एक छोटा सा अपना टाइम टेबल बना लिया था, एक वीकली टाइम टेबल बना लिया था कि किस दिन मुझे क्या करना है, किस दिन मुझे क्या नहीं करना है. इसके अकॉर्डिंग मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और अभी मैं सीटेट और एसटेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ और आप लोगों के साथ अपना जो डेली रूटीन है वो शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ. वैसे तो मैं दो बार सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हूँ, मगर अपने मार्क्स इम्प्रूवमेंट के लिए मैं इस बार फिर से दूंगी और एसटेट का एग्ज़ाम भी दूंगी. तो जो लोग टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं, वो लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और आप लोग मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा. जो लोग नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे साथ इस YouTube के थ्रू आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं. तो आज वैसे और थोड़ा स्पेशल दिन था क्योंकि आज मेरे छोटे भाई का बर्थडे था. तो आज छुट्टी करने के बजाय मैंने सोचा कि चलो ज़्यादा नहीं तो थोड़ी देर अपना काम किया जा सके और अपना देखो हर चीज़ को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है. सब चीज़ें लाइफ में इम्पोर्टेंट है, अपनी पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है और अपने डेली जो वर्क होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है. सब चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है. तो अपने जो और चीज़ें हैं उनको अपने काम पर हावी ना होने दें और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें. तो मैं आज सबसे पहले अपने जो काम है, अपने काम की शुरुआत थोड़े से नोट्स बनाकर कर रही थी क्योंकि EVS है. EVS का मैंने काफ़ी दिन हो गई थी, EVS का मैंने काम नहीं किया था, अपने नोट्स नहीं बनाए थे. तो मैं वीडियो देखने के साथ साथ अपने जो नोट्स हैं वो बना रही थी और अपने नोट्स को प्रिपेयर मैंने किया था. अब EVS का मैंने लगभग 1 से 1.5 घंटे मैंने नोट्स बनाए थे. उसके बाद में मैंने ये देखो ये टीचर है वो बहुत अच्छे तरीके से एसटेट के एग्ज़ाम की तैयारी करवा रही थी और काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है वो नोट्स है वो अपने जो मेन जो चीज़ें थी उनको नोट्स को थ्रू अपने आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर रही थी. आप ऑफलाइन तैयारी करें, ऑनलाइन तैयारी करें, सिर्फ देखना ही ज़रूरी नहीं होता. अपने जो नोट्स है वो प्रिपेयर करना और उनके रिविज़न करना बहुत ज़रूरी होता है. तो इसी तरह मैंने 1 से 1.5 घंटे EVS के नोट्स बनाए थे और EVS के नोट्स बनाने के बाद मैं अपने घर चली गई थी दिन में खाना खाने के लिए. और वहाँ से खाना खाने के बाद मैं फिर दोबारा से लाइब्रेरी आ गई थी और आने के बाद जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे मैं उन नोट्स को प्रिपेयर कर रही थी, रिवीजन कर रही थी कि मैंने आज क्या क्या नोट्स बनाए हैं. क्योंकि देखो कॉपी भरना, नोटबुक भरना ही सब कुछ नहीं होता, जो अपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है कि हमने क्या क्या आज पढ़ा है और क्या क्या इम्पोर्टेंट है. वो सब चीज़ों को उनको रिवाइज किए बिना हम अपने काम को आगे नहीं बढ़ा सकते. और फिर EVS का जो मैंने नोट्स बनाए थे, EVS के नोट्स बनाने के बाद, रिवीजन करने के बाद, फिर मैं अपने जो डेली रूटीन में मेरी चीज़ें हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ना है. न्यूज़पेपर मैंने रीडिंग किया था. न्यूज़पेपर रीडिंग करना एक बहुत अच्छी आदत है, इससे आपका GK भी स्ट्रॉन्ग होता है और अपना करंट अफेयर भी स्ट्रॉन्ग होता है और ये भी पता चलता है कि हमारी सोसाइटी में आजकल क्या चला हुआ है. उसको करने के बाद मैं अपने अगले काम को अपना आगे बढ़ाती हूँ और अपने जो है नेक्स्ट है वो नोट्स बनाने लगती हूँ. और ये मैं नोट्स अपने इंग्लिश के प्रिपेयर कर रही थी जिसमें मैं वो कैब देख रही थी कि वो कैब है, आपको भी पता है कि जो वो कैब है वो कितना ही कर लो वो उसका कोई एंड नहीं होता, मगर अपना जो बेसिक है वो भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए. तो इस तरह मैंने थोड़ा सा इंग्लिश का काम किया था. और देखो मैंने आपको बताया था ना कि आज मेरे यंगर ब्रदर का बर्थडे है, तो फिर मैंने EVS, इंग्लिश और हिंदी का काम किया था. ये 3 ही सब्जेक्ट मैं कर पाई थी. फिर मैं घर आ गई थी और घर आने के बाद अलग ही माहौल हो रहा था, एक सेलिब्रेशन का माहौल हो रहा था. सब लोग अच्छे से इंजॉय कर रहे थे, हम सब लोगों ने अपना जो भाई का बर्थडे है वो अच्छे से इंजॉय किया था. और घर में एक अलग ही माहौल होता है जब घर में बर्थडे होता है, तो सब लोग खुशी से इंजॉय करते हैं बर्थडे को. सब लोग मिलकर इकट्ठे बैठकर हम सेलिब्रेशन करते हैं. हम लोगों ने ऐसे ही अपने भाई का भी बर्थडे भी सेलिब्रेशन किया था
और हमें अच्छा लगता है। देखो फैमिली में गैदरिंग होती है और एक खुशनुमा माहौल हो जाता है घर में, और हम घर में सब लोग मिलकर इस सेलिब्रेशन को एंजॉय करते हैं और एक साथ मिलकर बैठते हैं और हंसी मजाक करते हैं और काफ़ी फ़ोटोशूट भी करते हैं। मम्मी पापा कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे तो मैंने उनकी थोड़ी वीडियो बना ली थी और बहुत सारी फ़ोटो हमने क्लिक करवाई थी। तो कुछ फ़ोटो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मेरी फैमिली की फ़ोटो है। और देखो पढ़ाई भी ज़रूरी है और अपने सेलिब्रेशन भी ज़रूरी है, पढ़ाई को इंजॉय करके पढ़ो, डिमोटिवेट होकर नहीं, और सब चीज़ों को अपनी लाइफ में बैलेंस करके चलो। अपनी फैमिली भी इतनी ज़रूरी है जितनी अपनी पढ़ाई ज़रूरी है, और ये हम ऐसे ही अपने हर बर्थडे पे ऐसे ही सेलिब्रेशन करते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जुड़े, वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।